सर मैम बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, सीरियसली बताऊं जितनी खुशी आज आपको है उससे बहुत ज्यादा खुशी हम सबको है। नेम को ही जाता है यही तो सुनना था। ओके ओके सो देखो सब तो पहले सर तो एक पूछना चाहना है, मैरिज में 25 साल हो चुके हैं, कोई भी ऐसा दो क्वालिटी जो कि तुम्हें वो बढ़िया लगती है जो कि तुम मैम के अंदर ऑब्जर्व की है वो दो क्वालिटी से सुनना चाहते हैं, लेकिन उसको पहला एक बार तालियां कम ऑन एवरीबॉडी। क्वालिटियां तो बहुत है गिनावा अब मिल जाएगी पर दो क्वालिटियां इमोशनल ये ड्रामा करना पड़ता एक तो यह फैमिली ने मेरे अपनी फैमिली मानती है तो दूजा इन्हें मेरे दो ब्यूटीफुल जवाक दिते है दो क्वालिटियां ने बहुत बढ़िया है मुझे दिया है। I don't think so. किसी के हस्बैंड ने किसी अपनी वाइफ दिया होगा, इससे बड़ी क्वालिटी कोई हो ही नहीं सकती। वाइफ को प्यार के अलावा कुछ चाहिए नहीं। कुछ सवाल होंगे आपने बताना है उसका आंसर इशारा करके बता सकते हैं। ओके पहला दोनों में से इमोशनल कौन है? अगर आपको लगता है बिल्कुल सही तो बीच में क्लैप कर देना। ओके सबसे ज्यादा डरता कौन है एक दूसरे से? कहने की जरूरत हाँ हमने ओके ओके ठीक है। दोनों में से सबसे जल्दी उठता कौन है? हाँ सुबह जल्दी कौन उठता है? विक्रम। ओके क्या बात है मतलब अच्छा दो ओके दोनों में से खराटे कौन मारता है? ये क्वालिटी भी है आपके अंदर? अरे वाह क्या बात है। ओके दोनों में से सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? दोनों कंजूस है। अरे आओ ठीक है ओके ओके आप इन दोनों में से ऐसे कौन है जिनके पेट पे कोई बात नहीं बसती, मतलब हर चीज बोल देते हैं, मतलब सीक्रेट नहीं रख पाते, वो कौन है? आप रुक जाओ रुक जाओ दोनों बढ़िया अच्छा दोनों जो बढ़िया चाय कौन बनाता है? क्या बात है घूमन फिरता कि शौक है ट्रैवलिंग किसको पसंद है दोनों में से? ठीक है सर इमोशनल वाले काम आप ठीक रखो, घूमने फिरने वाले में ही है।